कर, तू चंगे काम करने वास्ते इस दुनिया ते आया है। प्राणी तू आया लाहा लैन, खोर केड़ा लाहा है, लाहा केड़ा है, पूछना पवेगा ना बाबे नू, बाबा केड़ा लाहा। बाबा देख 25 साल हो गए है, खूब सुते हैं, खूब जागे हैं, ये लाहा है। साहब जी कहिंदे नहीं, रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले। किड्डा मूर्ख बंदा होवेगा ओ, जेड़ा घरों ते हीरियां दा व्यापार करन वास्ते जांदा है, घरों तक कीमती समान लैके जांदा है, पर अगों कौडियां कठियां कर आउंदा, ओनू घर वाले ना घरों कढ दिंदे ने, हद हो गई लुटा आया है। साहब जी कहिंदे अज तू वी लुटा रहा है, तेरा जन्म हीरे वर्गा सी, जेड़े हीरे वर्गे जन्म नू तू अज कौडियां दे पा तोली बैठा है, कौडियां दे पा गवा रहा है। बड़ा प्यारा बचन सतगुरां ने बाणी दे अंदर कीता है, कहिंदे खसम विसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन त्यागे। कौडियां दे पा, कौडियां दे बदले, कहिंदे जेड़े तेरे अंदरले शुभ गुण सी ना, जिन्ना ने तेरे विच जज्बा पैदा करना सी सच नूं बोलन दा, जिन्ना ने तेरे विच सबर पैदा करना सी, संतोख पैदा करना सी, कहिंदे खसम विसार कहिंदे होर ही कमां च लग गया, आन कम लग गया, आन तो पाव होर कमां च। हुण कम जेड़े दुनियावी तौर ते करदे ए थोड़ी माड़े आ, कम ओ माड़े है जेड़े कम्मां नूं कीतियां बंदिया दतार भुल जांदा है। तैनू बाबे दी बाणी ने इथों तक वी कहा है ना, मत देख भूलां विसरै तेरा चेतना आवै ना, ओ चीज मैनू मिले ही ना, जेड़ी चीज दे मिलदे नाल मैनू तू भुल जाना है। साहब जी कहिंदे खसम विसार आन कम लागै, कौडी बदलै रतन त्यागै। कहिंदे कौडियां दे बदले, रतना दे बदले, तू तू कौडियां दा व्यापार कर करके अपने घर दे विच लै आया है। साहब जी कहन लगे प्यारिया ये गल तेरे वास्ते ठीक नहीं है, बंदा है तू, बंदियां वाले कम कर। पर साहब जी माफ करे आजे, साहब जी माफ करे आजे, इत्थे मेरी तो हालत ए बनी पई है, चंदन लेप उतारे धोए गर्दब प्रीत पसम संग होई। मैं अपना गधापन छड़ना ही नहीं चाहुंदा, मैं अपनियां बुराइयां नूं दूर करना ही नहीं चाहुंदा। बाबा जिन्ना मर्जी चंदन ला दे, बाबे दी बाणी चंदन है, बाबे दी बाणी तैनू राह दसदी है, बाबे दी बाणी तैनू सोच नवी दसदी है। साहिब मेरा नीत नवा, बाबे दी बाणी कहिंदी कुछ ना कुछ करदा रह, चंगे काम करदा रह, पर माफ करियो बाबा जी, इत्थे बड़े चंदन लगता मैनू जांदे ने, समझता मैनू सारी है, पर गधियां वाला सुभाओ जिवें गधे दा सुभाओ है ना, वह फिर जाके घट्टे च लिटदा, बाबा जी मैं फिर जाके वकारी बन जाना है, थोड़े को टाइम वास्ते मेरे कोल चंगे गुण आ भी जांदे ने। साहब जी कहन लगे प्यारे आ चलना शुरू कर, जेड़ी चीज दा जेड़े सच दा पता लग गया ना तैनू, मन ला पता लग गया तैनू, अज शराब दी बोतल माड़ी है, कहिंदे चल उथे उलझ के ना रह जाए, सुट दे घरों बाहर, कहिंदे चल उस रस्ते ते। साहब दी बाणी ने कहा जिन्नी चलन जाणिया से क्यों करे विथार, कहिंदे जिन्हां ने चलना शुरू कर दिता, जिन्हां ने अपने माइंड नूं डिवेलप करना शुरू कर दिता, कहिंदे फिर उह दुनिया दीआं उलझनावां दे विच उलझ के जिंदगी नहीं बतीत करदे। जिन्नी चलन जाणिया से क्यों करें विथार, कहिंदे उह बहुते लोकां दे झमेलियां दे विच नहीं पैंदे। पर माफ करियो इत्थे ज्यादातर आपां लोकां नूं देख के जिंदगी बतीत करदे आं, जो उहने कीता उह मैं करांगा, जो चंगा मनुख करता है ना, जेड़ा कोई समाज भलाई दे काम करता है, कदी उहदे वल वेख के आपां चंगे काम नहीं कीते, माड़ियां वल देख के माड़े करी जाने हैं। जे किसी ने गली च गंद पाया ते आपां वी सावां पाउणे आ कि तू कौन हुन्ना है, आ देख साडे घरे वी केले दीआं छिल्लां हैगीआं, असीं वी रात खाधे सी, ऐन
अगे गेट दे अगे टका के जाने आ ते इत्थे कह दिंदे आ नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वैसे ना कई बार मैं महसूस किया है जेड़े इत्थे कह दिंदे ने नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, पर उन्हां नूं पता है करना नहीं, उन्हां ठाण मूंह करके कहिंदे ने, उन्हां दा ना मूंह ठाण हुंदा है। ते जिन्हां नूं पता है ना कि भाई असीं ते वाकिया ही भला करदे आ, असीं ते वाकिया ही समाज दे विच कुछ चंगे काम, ते फिर जदों इह पढ़दे आ ना उह फिर ऐ उच्चे उच्चे जे छाती चौड़ी करके कहिंदे आ कि हां मैं समाज दे विच भलाई दे काम करदा। पागां वालिओ तुसी अपने ना आले दुआले झात मार के देखिया जी, आही तां कारण है अज दे सिखां ते पहले सिखां दे विच आही वड्डा डिफरेंट है कि पहले सिख जो पढ़दे सी, जो विचारदे सी, जो सुनदे सी उन्नू प्रैक्टिकली लाइफ दा हिस्सा बना लैंदे सी। जे बाबे ने कहा सरबत दा भला करना है, बाबे ने कहा किरत करनी है, बाबे ने कहा वंड के छकना है, बाबे ने कहा नाम जपना है, ते उस हुकम नू अपनी जिंद जान तो भी वध कीमती समझदे सी। पर माफ करिया जी, अज पढ़न नू भावे जिन्ना मर्जी सानू पढ़ाई जावो, तोता रटन जिन्ना मर्जी कराई जाओ, पर असीं उस रस्ते ते चलन लई तैयार नहीं हुंदे। आले दुआले झात मार के देखिया जी, साडे पिंड दे विच किन्ने घर ऐसे होणगे जिन्हां घरां दे विच रात दी रोटी दा संसा है। सिखा तूं ते इदां दा सी, जे किते किसे नूं दुख सी ना, किसे नूं दुख सी, उह तैनूं सारी सारी रात नींद नहीं सी आउंदी, तैनूं तैनूं सारी सारी रात नींद नहीं सी आउंदी, उह बंदा दुखी क्यों है? मैं मदद करदा है उहदी, तूं जतन करदा सी मेरे कोल भावे थोड़ा रह जावे पर मैं उहदी मदद करांगा। पर माफ करिया जे, अज बहुत कुछ है साडे कोल, बड़ा कुछ है, पैसे दी जगह ते पैसा है, दौलत दी जगह ते दौलत है, पर वरतन नूं तैयार नहीं आ असीं किसे ते। कुदरत दा बड़ा प्यारा सुभाउ है, कुदरत नूं ना बंदे ने एक किले दे विच 30 किलो 40 जां 50 जिन्ना भी कणक दा बीज झोने दा बीज पाया पाया किलोआं दे हिसाब नाल, ते जदों दी पैदावार होई जदों उहनूं कट्टिया उह मणां दे हिसाब नाल दूणा तीणा होके सानूं वापस मिलिया है। रब जेड़ा रब जरे जरे च वसिया पिया है, जेड़ा रब कण कण दे विच वसिया पिया है, ओ रब अंदरों हुक्म करदा है। किंदे किते कुदरत नू देखी, कुदरत दे विच आपां एक अंब दा बीज बीजिया ते ओ रुख बनिया ना, जदों किन्ने अंब उस रुख नू लगने शुरू हो गए, अमरूद बीजिया किन्ने अमरूद ओनू लगने शुरू हो गए, भाव बीज इको ही बीजना पिया है, फल कुदरत ने अपने आप दे दिता है। बीज चंगा होना चाहिदा है, बीज ते ज्यादा सानू फोकस करना चाहिदा है, मौसम ते बीज ते। ते साहब जी भाई गुरदास जी कहन लगे, कहिंदे इतरा ही रब जी दा सुभाउ है, रब जी दा सुभाउ भी कहिंदे इदां दा है। भाई गुरदास जी, रब जी दा सुभाउ ते खेतीबाड़ी च गल समझ नहीं लगी। बचन करदे ने भाई गुरदास जी, कहिंदे चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। चंगियाई दी गल कीती है, कहिंदे चंगियाई दी तैनू समझ लगी है चलना शुरू कर दे। कहिंदे हजारां कदम अगे तैनू तेरे अंदर दी दृढ़ता लैण वास्ते आवेगी, हौसला लैण वास्ते आवेगा। आ भाई किन्ने ऐसे घर ने जिन्हां घरां दे विच मरीज विलक रहे ने, पर इलाज लई उहनां दे घरां च पैसे नहीं हैगे। इह जिहड़ी दसवंध दी पिरत सी, इह जिहड़ी गोलक सी गुरु दी, इन्हां कम्मां वास्ते जाया करदी सी।
इन्हां गोलकां दे विच्चों बड़े बड़े काम होया करदे सी। पर माफ करियो सारियां दी गल नहीं, पर बहुतियां ने जोर लंगरां ते ला दिता है। जिन्ना चिर अठ अठ दस दस सब्जियां नहीं ना बनदियां ते असीं कहिंदे सेवा ही नहीं होई साडी। बड़ा जोर, निशान साहब दा बड़ा प्यारा मकसद सी, भाई छत नहीं हैगी आवे गुरु नानक दा घर। ते इत्थे ते माफ करियो गुरु नानक दे वजीरां नूं कहिंदे जे किते लागे बन्ने मिलदा ही किराए ते ते उत्थे लै ला। हालात बन चुके ने, इन्हां घरां दे हालात बन चुके ने। निशान साहब झूल दा निशान साहब कहिंदा सी ढिड भुखा है वो आ जा रोटी दे दईए। ते इत्थे माफ करिया जे ग्रंथी नूं 10 वजे मंगण जाणा पैंदा तां जाके पेट भरदा, ते ओह दूजियां दा कित्थों भरूगा। ਉਹ ਘਰ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਅਕ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁੱਖ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਾ ਸੋਚਿਓ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੇ, ਸਬਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੈ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਭੋਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਚੰਗਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸੇ ਝੋਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੈ ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ, ਆ ਭੇਦ ਆ ਤਰੀਕਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਤ ਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਤ ਕੀਏ, ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਜੋਗ ਜਗ ਨਿਫਲ ਤੈ ਮਾਨੂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜਸ ਵਿਸਰਾਵੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਮੋਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਪਰ ਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ,
कहो नानक ए बिध को प्राणी जीवन मुक्त कहावे। कहिंदे ए रस्ता सी सिक्खी दे सिद्धांतां ते चलण दा, ए रस्ता सी अपने आप नूं चंगियाई वाले पासे लै के जाण दा। भाई जे गुरुद्वारे आउणे आ, ऐसे समागमां च आउणे आ, साडी जिंदगी दा कोई मकसद होना चाहीदा है, कोई ना कोई साडी जिंदगी दा इहो जिहा काम होना चाहीदा है जेडे काम दे नाल समाज सोहना बने। ते सबना नू हाथ जोड़ के एक लास्ट च बेनती है, भाई सारे जाने सहज पाठ जरूर करो। मैं पहला भी बेनती कीती है, कोई वीर शराबी है, किन्ना भी नशा करदा है, शरीर दी सफाई करे। शरीर दी सफाई तो बाद बाणी पढ़े, क्योंकि बाणी पढ़ेगा ते मानसिक लेवल उच्चा होगा, पता लगेगा सच की है ते झूठ की है। बाणी पढ़ो, सहज पाठ अपने घरां च आरंभ करो। सहज पाठ आरंभ करना बड़ा जरूरी है। बाणी नूं आप पढ़ो, अपने फैसले आप लो।